नहमदु नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस नए चेंज में हमारे सबसे मोहतरम मेहमान आप लोग मेरे ख्याल में सीएम हाउस में हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मुझे खुशी है कि मैं आपके दरमियान में बैठा हूं और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने आप लोगों की मेहमान नवाजी किया, आप लोगों को सीएम हाउस में मधु किया। मेरे ख्याल में कैमरामैन सारे हमारे स्पेशल जो हमारे मेहमान हैं उनके सामने, पता नहीं उनको पीछे से नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, तो काइंडली अगर रास्ता उनको थोड़ा गैप दे दें अगर कैमरामैन सारे। तो मैंने बहुत सोचा कि इस चीफ मिनिस्टर हाउस में जो ख़ास मेहमान कौन हो सकते हैं जो पहले आए। आप हमारे लिए इस चीफ मिनिस्टर हाउस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं। मैं आप लोगों की, आप लोग इतने कम टाइम पे आप लोग आए, मेरा तो ख्वाहिश है कि सीएम हाउस में सारे आपके लोग मौजूद होते और मैं उनका मेहमान नवाजी करता, उनका खिदमत करता, लेकिन जो आप लोग आए हैं मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप लोगों की दुनिया में कोई मेरे ख्याल में बोझ के लिए नहीं आता है, ज़रूर उसकी कोई ना कोई स्पेशल क्वालिटी होता है जो दुनिया में है। हम इन चीज़ों को भी देखें कि हम मुस्तकबिल में हमें ये चीज़ें फेस नहीं करने पड़े, पोलियो को हम तरजीह दें और उनके साथ तावन करें हमारे पोलियो की टीम के साथ, ताकि हमें ये देखने नहीं पड़े और हमारा जो माशरा है जो मुस्तकबिल में वो अपने पैरों पे खड़े होके इस मुल्क की और लोगों की खिदमत कर सके। मुझे तो अफसोस है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वालों ने जो ब्रीफ दिया बिल्कुल कुछ नहीं है आप लोगों के लिए, कुछ नहीं है। मैंने कोई उसमें ऐसा चीज़ नहीं देखा जो हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए किया है। जाम साहब सो काइंड, मेरे मोहतरम है, मेरे इज़्ज़त में उसका हर चीफ मिनिस्टर का ख्वाहिश होता है वो कोई अच्छा काम करे। कोई इधर आता है अपनी बेइज्जती के लिए, कोई नहीं ऐसा वो जहन में नहीं होता है कि वो मैं काम नहीं करूँ। ज़रूर कहीं ना कहीं हर्डल्स होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन मैं किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर मेरे और आप लोगों के दरमियान में आए। और इसके लिए सोशल तमाम मेरे ख्याल में ये कोटा मोटा कुछ भी नहीं है, ना आप लोगों को कोई नौकरी देगा ना कोटे सिस्टम में आप लोगों को कुछ मिलेगा। इसके लिए स्पेशल कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, स्पेशल जॉब आप लोगों के लिए क्रिएट करेंगे। टोटल तादाद कितने हैं हमारे स्पेशल पर्सन्स के? 70,000। हम एक इस सिलसिले में मेरे ख्याल में एक हायर करें अच्छा कोई फर्म जो इसमें स्पेशलिस्ट हो और वो इनके बेहतरी के लिए कोई अच्छा प्रपोजल बनाएं। परवाह नहीं है हमारे कुछ डेवलपमेंट नहीं होते हैं, नहीं हुए, आप लोगों के मसाइल ज़रूर हल करेंगे। और ऐसा करें कि आप किसी के किसी के ऊपर बर्डन नहीं हो, आप किसी के मोहताज नहीं हो, कोई आपको स्पेशल पर्सन नहीं कहे, आप अपने पैरों पे खड़े हों और इस माशरे का एक फ़र्द बन के जैसे दूसरे हैं आप भी उसी तरह किरदार अदा करें और माशरे का एक अहम जुज़ बन जाएं। तो इसके लिए फूरी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आप इसमें मेहरबानी करें, फूरी तौर पर एक ये नहीं है कि इसको पाइपलाइन में डालें, पाइपलाइन वाली कहानी नहीं है, फूरी तौर पर इसको काम करें। जो आपने डिमांड पेश की है वो भी मेरे लिए काबिल हैं, काबिल कबूल हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उससे बढ़कर भी आप लोगों के लिए करूँ और उसके लिए स्पेशल एक टास्क फोर्स बनाएं और एक ऐसा डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर है लेकिन उसको इस तरह आगे बढ़ाएं कि वो आप लोगों के मसाइल कहीं पे
ऐसे नहीं कि कहीं पे रुकें और कहीं पे जो आपको तकलीफ हो। और जिस तरह हमारे भाई ने कहा, उसमें इंशाल्लाह हम बिल्कुल आपके साथ बैठेंगे, जो पूरी नवीयत की चीज़ें हैं वो बिल्कुल कर लेंगे। आपको हम बिल्कुल, हम जितने हमारे माजूर हैं उनको व्हील चेयर जिनको ज़रूरत है वो तो फूरी तौर पर सिक्री साहब इसको पैसे फाइनेंस को कहें कि सोशल डिपार्टमेंट को दें, और इनकी जो जितने एनजीओज हैं उनके साथ मिलके सब लोगों को हम ये दे दें। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह हमारे एक क्या नाम है, खालिद भाई, नदीम, जिस तरह किया नदीम भाई, आप सीएम हाउस के हर में जो है यहाँ पे प्रोग्राम होंगे उसका चीफ गेस्ट आप होंगे हमारे इधर। और इसी तरह मेरे ख्याल में तुरबत में भी हमारे स्पेशल पर्सन हैं, वो भी अपने कला में बड़ा महारत रखते हैं, वो भी उनको हम मधु करेंगे, वो हमारे प्रोग्रामों में यहाँ पे आएंगे। तो इनमें आप लोगों के साथ बैठेंगे और जो आप लोगों के डिमांड हैं उनको बिल्कुल पूरा करेंगे। और इंशाल्लाह ये नहीं है कि अभी आप लोग मेहमान हैं, इंशाल्लाह हर वक्त इधर मेहमान आप रहेंगे। और मुख्तलिफ आज कुछ लोग आए, कुछ लोग जो नहीं आए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों के, हम आपको मधु करते रहेंगे। आप लोगों का स्पेशल हमारे गेस्ट होंगे और हम चाहते हैं कि आप लोगों के दरमियान में रह कर आप लोगों के साथ मिलजुल कर इस जो सूबे की बेहतरी के लिए हम काम करें। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।